अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं आपका होस्ट राणा वसीम और आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना चैनल हिस्ट्री ऑफ राजपूत। तो व्यूज़, आज हम सियाल राजपूतों की जैली गोतों के बारे में, जैली शाखों के बारे में जानेंगे। हिराज, थिराज और मुराली, तीन टॉपिक हैं हमारी इस वीडियो के। अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हिराज कौम के लोग चौकी चौहान तहसील कबीर वाला में काफ़ी तादाद में आबाद हैं और बेहद असर और सूख के हामिल रहे हैं। सिख और अंग्रेज़ के अहद में भी इन लोगों का सियासी किरदार बेहद नुमाया और मुमताज़ रहा है। अंग्रेज़ दौर में इनके सरदार वली मोहम्मद खां हिराज बहुत मशहूर गुजरे हैं। हिराज कौम दरअसल पंजाब के कमोबेश 140 मवाजात में आबाद है। 1857 ईस्वी में इनके मशहूर सरदार महर सुल्तान खां था, जिसने अंग्रेज़ हुकूमत में काफ़ी काफ़ी असर और सूख पैदा किया। सरदार मसूफ ने क्वेटा की मुहिम के दौरान अंग्रेज़ों को 100 ऊँटों का काफ़िला फराहम किया था। महर सुल्तान खां सरदार अल्ला यार खां के बेटे थे। सिखों के अहद में महर सुल्तान खां के वालिद महर सादा हिराज बेहद नामवर ज़िम्मेदार थे। जंग अजीम के दौरान भी इस कौम के सरदारों ने अंग्रेज़ हुकूमत की बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी थी और इनसे इन्हें काफ़ी मुराआत भी हासिल हुई थी। तो व्यूज़, अपने इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। थिराज कौम की तारीख के बारे में बताते हैं। हिराज और थिराज बाहमी भाई थे। इस तरह ये अकवाम नस्ल के अतबार से एक ही बाप की औलाद हैं। ये लोग भी काफ़ी असर रसूख के मालिक रहे हैं। इनकी बाकी मानदा तारीख वही है जो सियालों की जैल में पेश की गई है, यानी थिराज और हिराज एक ही बाप की औलाद हैं और दोनों सगे भाई थे। तो व्यूज़, अब इस वीडियो के तीसरे हिस्से की जानिब चलते हैं। मुराली कौम की तारीख के बारे में जानते हैं। मुराली भी सियालों की एक जैली शाख है। मुराली कौम के मुतलक ये ख्याल किया जाता है कि सियालों की एक जैली शाख है। ये लोग जंग, मुल्तान, शाहपुर, मियांवाली के अलावा पंजाब के दीगर अजला में भी आबाद रहे हैं। मुराली ख़ानदान की एक शाख मौजूए हशमत मुराली तहसील कबीर वाला में भी आबाद है। यह ख़ानदान पहले पहल मौजे ओड़ा वाली ज़िला जंग में मुकीम था, जहां से इनके एक बुज़ुर्ग महर सरवर अंग्रेज़ दौर में नकल मकानी करके हशमत मुराली में आबाद हुए थे। इनके एक बेटे बाकिर खान ने रावी के किनारे गुलपुर आबाद किया था। हशमत मुराली महर हशमत के नाम से आबाद हुआ था और बाकर खां इस हशमत खां का बेटा था। फिरोज़पुर में भी इनके बुज़ुर्गों ने अराजी खरीदी थी। अल्ला यार खां हशमत मुराली का मशहूर नंबरदार है। तो व्यूज़, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है? जो तीन सियालों की तीन जैली शाखों पे थी, उम्मीद करते हैं कि आप ने काफ़ी नॉलेज हासिल किया होगा। हमें इजाज़त दीजिए अगले वीडियो तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।